हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, 2 साल तक नहीं होगी कैल्शियम की कमी। क्या दूध, दही और कैल्शियम वाली चीजें खाने के बाद भी आपकी हड्डियाँ कमजोर हैं? क्या आपको भी बुढ़ापा रोग है? तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बुढ़ापे रोग की सटीक दवाई। आपके मन में इस टाइम ये क्वेश्चन आएगा कि क्या बुढ़ापा भी कोई रोग है? वैसे तो हर इंसान की जिंदगी में बुढ़ापा आता है 60-70 की एज के बाद। बुढ़ापे के लक्षण क्या होते हैं? बालों का सफेद होना, चेहरे पर झुर्रियां आना, बॉडी में पेन रहना, हड्डियों का कमजोर होना, दांतों का कमजोर होना, नसों पे नस चढ़ना या पिंडलियों में दर्द होना, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर कमजोरी आना। लेकिन ये लक्षण अब हम देख रहे हैं 20-30 साल की एज में भी दिखाई दे रहे हैं। इन सब का मूल कारण है शरीर में कैल्शियम की कमी, जिसे ज्यादातर लोग लाइटली लेते हैं या ऐसे ही है, कैल्शियम तो ऐसी ही चीज है। थोड़ा सा टकराने पर अगर आपकी हड्डी टूट जाती है, नाखून है जो बिना नेल कटर के ऐसे ही टूटते रहते हैं, या फिर दांत बहुत कमजोर हैं, ये सब चीजें। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो बैलेंस डाइट लेते हैं, दूध दही खूब खाते हैं, एग वगैरह भी लेते हैं, फिर हमें तो कैल्शियम की कमी हो ही नहीं सकती। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप दूध दही जैसी चीजें भी खा रहे हैं, इसके अलावा आप कैल्शियम वाली खूब चीजें खा रहे हैं, फिर भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, तो क्यों है? इसके अलावा जानेंगे कि 100 साल तक कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी, ऐसा फॉर्मूला। कैल्शियम की कमी दूध दही पीने वाले इंसान को क्यों होती है? क्योंकि 95% तक लोग दूध में चीनी डालकर पीते हैं। अगर हमने दूध में चीनी डाल ली और ऐसे ही दूध को पिया, तो दूध के बीच का कैल्शियम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएगा अगर हमने दूध में चीनी यानी कि मीठा डाल दिया। ये बात हमने आम ही सुनी होगी कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, शुगर वाले जो मरीज होते हैं, उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं। वो इसी कारण से होती हैं, जो लोग बहुत ज्यादा मीठा लेती हैं या फिर उनकी बॉडी में नेचुरली मीठा स्टोर रहता है, दूध में मीठा डालकर लेते हैं या फिर दही में नमक डालकर लेते हैं, तो उनको हड्डियां कमजोर होना या बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी लाजमी ही है। तो कैल्शियम की कमी से हाइट नहीं बढ़ती, कैल्शियम की कमी होने पर हमारे शरीर को मिलने वाले बाकी पोषक तत्व नहीं मिलते जो हम डाइट के रास्ते लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, जो भी जरूरी पोषक तत्व हैं हम चाहे डाइट के थ्रू ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम पूरा नहीं है, तो वो सारे पोषक तत्व वो भी हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएंगे। आगे बताने से पहले आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप इसी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और हेल्थ से रिलेटेड और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट myfitnessbeauty.com पर जाकर इसे पढ़ सकते हैं और हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग धूप में नहीं बैठते, जिस कारण से उनकी बॉडी को विटामिन डी नहीं मिलता, या फिर अगर विटामिन डी मिलता भी है तो वो शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करते। शारीरिक श्रम अगर आप नहीं कर रहे, तो जितना भी कैल्शियम आप खा रहे हैं वो एज ए स्टोन तो बन सकता है, लेकिन वो आपको कैल्शियम के रूप में हड्डियों को मजबूत नहीं करेगा। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसा तरीका जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा। सबसे फर्स्ट चीज कि आपने चीनी बहुत कम लेनी है। अगर लेनी है तो आप गुड़ के रूप में लीजिए। ये चीज का हमेशा ध्यान रखें, जो भी लोग चीनी ज्यादा लेते हैं या दूध या दही में डालकर चीनी लेते हैं, तो वो कैल्शियम नहीं होता। इसके अलावा आप खूब विटामिन डी लीजिए, यानी धूप में बैठिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तरीका। तो आपने भी चूने का नाम सुना होगा, जो पान में लगाया जाता है, वो चूना आपने सिर्फ कनक के दाने जितना लेना है। आप चाहे तो इसे दही में डाल के लीजिए, दूध में डाल के लीजिए, या फिर आप दाल में डालकर लीजिए। कुछ लोगों को अगर स्टोन की प्रॉब्लम है तो वो चूना नहीं ले। चूना एक ऐसी चीज है जो नेचुरली तरीके से आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा कर देगी। जो लोग महीने में सिर्फ 1 हफ्ता चूना लेंगे और अगले महीने फिर 1 हफ्ता चूना लेंगे, ऐसा करने से 100 साल तक कैल्शियम की कमी, हड्डियां कमजोर या फिर दांत कमजोर या फिर नाखून कमजोर नहीं हो सकते। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ
ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।